ओडिशा रा बालासोर में रेल दुर्घटना में 261 लोगों की मौत, 932 लोग घायल। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत केंद्रीय मंत्री रेल दुर्घटना में जताया दुख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल में फूग लिया जायजो। राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ओडिशा रा बालासोर में हुई रेल दुर्घटना में जताया शोक। घायल ने जल्दी स्वास्थ्य लाभ खातर करी कामना। ओडिशा बालासोर में रेल दुर्घटना में उपनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनियार, भाजपा प्रवक्ता रामलाल शर्मा जताया दुख। हादसा ने बताया दुखद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जून ने अमेरिका दौरा में थे। अमेरिकी संसद संयुक्त बैठक ने करेला संबोधित। यात्रा ने बताया सम्मान की बात। प्रदेश में 7 जून ताई मेघ गर्जन रे साथे कुछ एक ठोरा में तेज हवावा और बारिश री संभावना। 9-15 जून रे दौरान आंधी और बारिश री गतिविधियां माए हो सके है कमी। नमस्कार, शाम 5 बजे आई राजस्थानी खबर में आप स्वागत है और मैं पूनम कंवर खबर में आप साथ है। और अब देखा हाँ खबर विगतवार। ओडिशा रा बालासोर में रेल दुर्घटना में मृतकारी तादाद 261 हो चुकी है। इन घटना में 900 से ज्यादा लोग घायल हुआ है। घायला ने आरे सारे रा अस्पताल में भर्ती करवायो गयो। इन हादसा में 3 ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई है। बेंगलुरु से हावड़ा जारी यशवंतपुर हावड़ा ट्रेन रा डिब्बा उतर दूसरा ट्रैक माथे जा गिरा। इन दौरान दूसरी ट्रेन और सू आरी शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस बेपटरी हुआ डिब्बा सू जा भिड़ी। इंडरा कुछ एक डिब्बा बगल माए खड़ी मालगाड़ी सू भिड़ गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत केंद्रीय मंत्री रेल दुर्घटना माथे दुख जताया। रेल मंत्री अश्विन वैष्णव घटनारी उच्च स्तरीय जांच रा आदेश दीना है। ट्रेन हादसे पर दुख जताया था। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने रेल हादसे में मुआवजे के ऐलान की घोषणा की थी। पीएमओ के मुताबिक मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा, जबकि घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि मिलेगी। और वहीं ओडिशा के बालासोर में हुई भयानक रेल दुर्घटना में 261 लोगों की मौत हो गई है। इस घटना में 900 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। घायलों को गोपालपुर, खंटापारा, बालासोर, भद्रक और सोरू के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। घटना उस समय हुई जब शुक्रवार को शालीमार हावड़ा कोरोमंडल एक्सप्रेस बहनगा स्टेशन पर शाम करीब 6:51 पर पटरी से उतर गई, जबकि बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट ट्रेन उसी स्थान पर शाम 6:55 पर पटरी से उतर गई। घटना की सूचना मिलते ही राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। एनडीआरएफ, राज्य आपदा प्रबंधन बल, राज्य अग्निशमन विभाग और चिकित्सा दलों की टीमें फौरन घटनास्थल पर पहुंच गईं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अश्विनी वैष्णव ने दुर्घटना स्थल का दौरा किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अभी राहत कार्य जोर शोर से चलाया जा रहा है। रेल मंत्री ने कहा कि घटना की पूरी जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि घटना की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की जाएगी। रेलवे सेफ्टी भी इस मामले की स्वतंत्र रूप से जाँच करेगी। सरकार इस घटना की तह में जाएगी ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटना न हो। सारा का सारा फोकस रेस्क्यू पे होना चाहिए, रेस्टोरेशन पे होना चाहिए। रेस्क्यू करीब करीब कंप्लीट हुआ, अब रेस्टोरेशन का काम स्टार्ट हो गया है। एक तरफ से उस तरफ से रेस्क्यू रेस्टोरेशन का काम स्टार्ट हो गया है। अभी सबसे बड़ी जरूरत है कि हम सब के सब इस एरिया को खाली करें और जो बड़ी मशीनें रेस्टोरेशन में लगी हुई है उनसे दूर रहें। इस दुर्घटना के जड़ तक जाएंगे और कभी भी इस तरह की घटना वापस न हो उसकी व्यवस्था करेंगे। और वहीं दक्षिण पूर्व रेलवे के और आगे देखा ओडिशा रा बालासोर में हुई रेल दुर्घटना रो जायजो लेवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूग्या। उसके बाद से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर नजर रखे हुए और उसके अलावा रेस्क्यू ऑपरेशन तेज गति से चलाया गया और डॉक्टर्स की भी जो उपलब्धता है उसको और ज्यादा बढ़ाया गया, क्योंकि साफ तौर पर इतने ज्यादा पेशेंट एक साथ वहां पर जो घायल थे और जो मृत पाए गए दुर्भाग्यपूर्ण वश
तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अग्रसर होकर हमेशा से ये करते रहे और जो डॉक्टर्स की भी वहां पर जो स्थितियां थी उस पर भी हम कह सकते हैं कि इसको और ज्यादा आगे ले जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर उसकी स्पष्टता दिखाई है और कहीं ना कहीं यही सब कुछ है जो कहीं ना कहीं इस आपदा के संकट में लोगों को वहां से निकालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक महत्वपूर्ण कदम कह सकते हैं। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने गौरव कि कल जब घटना घटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले जो है तमाम जो उच्च अधिकारी थे उनके साथ उन्होंने बातचीत करी और हावड़ा से और खड़गपुर से जो सबसे नियरेस्ट अस्पतालें थी उन अस्पतालों से डॉक्टरों का दल नर्सेस एम्बुलेंस इन तमाम लोगों को वहां से लगाया गया। खड़गपुर और हावड़ा से लोग जो है वो अस्पतालों तक पहुंचे और जो सिद्धस्थ माने जाने वाले डॉक्टर थे जो एक्सपर्ट डॉक्टर थे उनकी दल को हावड़ा और खड़गपुर से रवाना किया गया। इसके अलावा भारतीय रेल ने ट्रेन की भी व्यवस्था की जो यात्री फंसे हुए थे उनको वहां से निकालकर हावड़ा और खड़गपुर पहुंचाया गया। उनके लिए सुबह में चाय पानी बिस्किट तमाम तरह की जो सुविधाएं थी फूड पैकेट्स उसका भी केयर किया। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ओडिशा रा बालासोर में हुई भीषण रेल दुर्घटना माथे गहरी शोक संवेदना व्यक्त कर्या। वर्णा मृतकारी पुण्य आत्मारी शांति और परिजना ने यो दुख सहन करवारी शक्ति प्रदान करवारी कामना करी। इंद्रे साथे ही घायलारा बेगा स्वास्थ्य लाभ खातर भी कामना करी। ओडिशा रा बालासोर में हुई भीषण रेल दुर्घटना माथे उपनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया और भाजपा प्रवक्ता रामलाल शर्मा संवेदना व्यक्त करी है। वर्णा हादसा ने बेहद दुखद बतायो है। प्राकृतिक आपदाएं आती हैं हादसे होते हैं। ये ट्रेन का हादसा भी ओडिशा का इस तरीके से अनायास हुआ है जिसमें काफ़ी लोग हताहत हुए घायल भी हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने संवेदना व्यक्त की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी मौके पर हैं। मैं दिवंगतों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। भारत की सरकार ने तत्परता से मुआवजे की और उनके देखभाल की व्यवस्था की है और ये इस बात के लिए एश्योर भी किया है कि हम भविष्य में रेलवे को और ज़्यादा इक्विप करें कि ताकि इस तरीके की दुर्घटनाएं टाली जा सके। ओडिशा के अंदर रेल हादसा हुआ है उसके अंदर कई लोगों की जाने गई है और यह हादसा दुखद है अनायास हुआ है लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि आने वाले समय के अंदर और इसको बेहतरीन तरीके से रेलवे को आधुनिकीकरण की ओर ले जा सके ताकि इस तरीके के हादसे नहीं हो पाए और दिवंगत आत्माओं को ईश्वर अपने चरणों के अंदर स्थान दे और देश के प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए तत्परता के साथ रेल मंत्री जी को मौके के ऊपर भेजा भी है और परिवारजनों को ढांढस बंधाने का काम भी कर रहे हैं और जो इस पूरे घटनाक्रम के अंदर हताहत हुए हैं उनको भारत सरकार की ओर से जो मुआवजा दिया जा सकता है वो मुआवजे की घोषणा भी उन्होंने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जून ने अमेरिका दौरा माथे है वठेरी संसदरी संयुक्त बैठक ने संबोधित करेला। इन यात्रा ने अमेरिका आपरा सम्मान री बात बतायो है। बूंदी जिला रा डाबी माए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला खेल महोत्सव री शुरुआत करया। इन दौरान लोकसभा अध्यक्ष नौजवाना ने खेल सारू आगे बढ़वारो आह्वान करया। वणा शॉर्ट लगार क्रिकेट प्रतियोगिता री शुरुआत करया। इन मौके वे कया के खेल मैदान माथे कब्जो करवा वाला माथे कार्रवाई करी जावेली। भक्ति है और जीतने का एक जनून है और जिंदगी में खेल का मैदान ही ऐसा है जो हर रोज नई प्रेरणा देता है नया उत्साह देता है आत्मविश्वास देता है और खेल के मैदान में हर रोज जीतने का प्रयास होता है। यही जिंदगी की कहानी है। अगर जिंदगी में भी ऐसे ही विचार करे व्यक्ति कि मुझे रोज संघर्षों से लड़ना है रोज विपत्तियों से लड़ना है लेकिन एक दिन जीतना है तो वह जिंदगी में कभी विचलित नहीं हो सकता।
महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय रंगरीत और सरस्वती कला केंद्र री अगुवाई माए टाबरा ने सिटी पैलेस माए चलाया जा रहा शिविर माए पारंपरिक कलावां रो प्रशिक्षण दियो जा रियो है। शिविर संयोजक चित्रकार रामू रामदेव बताया कि शिविर रे दौरान पारंपरिक चित्रकला ध्रुपद कथक बांसुरी कैलीग्राफी रो प्रशिक्षण दियो जा रियो है। वे बताया कि इन बार शिविर माए भारत रा राष्ट्रीय ग्रंथ गीता रो श्लोक भी विद्यार्थियों ने पंडित शिवदत्त व्यास रा निर्देशन माए सिखायो जा रियो है। जयपुर राजघराने की तरफ से हर वर्ष यहाँ पर जो नवांकुर कलाकार हैं उनकी कला को और पॉलिश करने के लिए यहाँ एक महीने का सांस्कृतिक विरासत प्रशिक्षण शिविर लगाया जाता है, जिसमें कोशिश ये की जाती है कि इन बच्चों को जो विरासतकालीन कलाएं हैं जो लुप्त हो रही हैं, जो क्लासिकल कलाएं हैं, वो यहाँ सिखाई जा रही है। और जैसे आप जयपुर घराने का ध्रुपद है, जयपुर घराने का कथक है, यहाँ के लोक नृत्य हैं, ढूंढाड़ी शैली पेंटिंग की स्टाइल है, जिसमें पेंटिंग में हम कांगड़ा बूंदी बसोली राजस्थान की मास्टर्स जो स्टाइल हैं वो भी हम सिखाते हैं यहाँ पर। गीता जी से जो श्लोक्स हैं बच्चों को उनके भी संस्कार दिए जा रहे हैं। सिटी पैलेस माए हर बरस होबा वाला समर कैंप माए हर आयु वर्ग रा लोग बढ़ चढ़ भाग ले रिया है। शिविर में गुजरात कोलकाता समेत कई राज्य रा टाबरा ने इंतजार रेवे है। इन बार भी शिविर माए देश भर रा बच्चा प्रशिक्षण ले रिया है। अपने आप को कला से ही नहीं अपनी संस्कृति से भी जोड़ा है, तो ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और अभी फ्यूचर में मैं कनाडा जाऊंगी, लेकिन मैं मेरी संस्कृति को अपने साथ लेके जाना चाहूंगी। लोग सिर्फ एक पेंटिंग ही देखते हैं, मगर पेंटिंग के अंदर भी बहुत सारी जो श्रेणियां हैं, स्टाइल्स है, वो बहुत ही ज़रूरी है। एक माइन्यूट सा डिटेल्स कैसे आपका पेंटिंग जो है अलग कर सकता है, वो यहाँ पर आके मैं सीखी हूँ और अभी भी सीख रही हूँ। मैं गुजरात वडोदरा से आई हूँ। यहाँ पता चला कि सिटी पैलेस में मिनिएचर पेंटिंग सिखाया जाता है, तो गुरुजी के सानिध्य में हमने सोचा कि हम बेहतरीन टेक्निक्स और सीख के जाऊँ मैं। और केवल पेंटिंग ही नहीं, यहाँ कथक राजस्थानी लोक नृत्य भी सिखाया जाता है, तो मैं यही आशा के साथ यहाँ आई हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निक्स और ज़्यादा से ज़्यादा आर्ट यहाँ से सीख के जाऊँ। बीकानेर सू सीकर होती हुई शिरडी साई खातर चालबा वाली नुई रेल ने आज सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती समेत भाजपा नेता सीकर रेलवे स्टेशन सू शिरडी खातर रवाना कर। शिरडी साई ताई चालबा वाली ट्रेन बीकानेर सू पहली बार सीकर रेलवे स्टेशन पूगबा पर सांसद समेत भाजपा नेता ट्रेन रा चालक रो स्वागत कर। सीकर रेलवे स्टेशन से आज एक नई गाड़ी की शुरुआत और हो रही है। ये गाड़ी पहले जयपुर से शिरडी चलती थी। माननीय रेल मंत्री जी से मैंने निवेदन किया, माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल जी और हम दोनों ने बात की कि इस ट्रेन को बीकानेर से किया जाए। तो बीकानेर से शिरडी के लिए साप्ताहिक ट्रेन है। ये ट्रेन यहाँ से जयपुर कोटा और भोपाल उज्जैन होती हुई शिरडी पहुँचेगी। और अब थान अलीचाला सीधा सजीव प्रसारण खातर जट दुर्घटना हुई है। दुर्घटना स्थल पर सजीव प्रसारण का माध्यम से पहुंच चुके हैं और किस तरह से इलाज और उपचार किया जा रहा है इस पर खास तौर पर उनकी पैनी नजर है। बिल्कुल गौरव, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जैसा कि हम सुबह ही से अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एक्सीडेंट साइट पर जाएंगे, वहां पर रिव्यू करेंगे सिचुएशन को और उसके बाद में वो हॉस्पिटल का भी हॉस्पिटल में जाएंगे, वहां पर जो घायल हैं उनसे मुलाकात करेंगे। इस बात को हम जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हॉस्पिटल साइट पर पहुंचे हैं, वहां पर जो घायल हैं उन्होंने उनसे बातचीत की है और पूरी सिचुएशन को एक तरह समझने की कोशिश की है। महिलाएं, बुजुर्ग जो भी वहां पे घायल हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि आखिरकार क्या हुआ था, कहाँ से बैठे थे, कौन से स्टेशन से बैठे थे, क्या हुआ था जब एक्सीडेंट हुआ था,
किस तरह से आप लोगों को यहाँ पर पहुँचाया गया है, किन किन दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ा जिससे कि आगे रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे बेटर हो सके। तो प्राइम मिनिस्टर की जो प्रिलिमिनरी चीजें हैं वो एक तरह से इन परिजनों से एक तरह से यहाँ पहुंची है। दूरदर्शन न्यूज की टीम लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए है। आपको बता रहे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सुबह ही एक तरह से जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनके साथ बैठ करके रिव्यू बैठक करी है। उस रिव्यू बैठक के बाद में दोपहर में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक्सीडेंट साइट पर पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने एक ग्राउंड सिचुएशन को समझा है। ग्राउंड जीरो पर जो लोग काम कर रहे थे इस रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन में, जो लोग मौजूद रहे हैं, उसने एक तरह से उनसे बातचीत की है। बहुत सारे अगर हम इसमें पहलुओं की बात करें तो हम इस बात को जानते हैं कि जो जो हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है जिसमें कि जिसमें ये पता लगाने की बात कही गई है कि आखिरकार ये एरर कहां पर हुई, चूक कहां पर हुई जिसकी वजह से इस इतना बड़ा ट्रैजिक इंसिडेंट यहां पर हुआ है। पिछले 8-9 साल में आप पाएंगे कि कैसे रेलवे ने ये कोशिश की है और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया गया है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त किया गया जिससे कि जो ये अनटोवर्ड इंसिडेंट पहले हुआ करते थे वो बिल्कुल नेग्लिजिबल या फिर बिल्कुल जीरो के आसपास तक आ गए थे। लेकिन क्या वजह रही कि इतना बड़ा ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ है, तो जाहिर सी बात है जो एनडीआरएफ की टीम्स हैं, जो जो रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन की जो टीम है वो लगातार वहां पर काम कर रही है और इस समय पर पूरी तरह से फोकस इस बात पर है कि कैसे जो लोग घायल हुए हैं उनको त्वरित जो सुविधाएं है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं, वो उनको मुहैया कराई जा सके। बिल्कुल अरुण, आप देखिए कि प्रधानमंत्री खुद सभी के पास जाते हुए और उनसे उनका हालचाल जानते हुए किसी तरह की उनको कोई तकलीफ तो नहीं है इस बात का साफ तौर पर ध्यान रखा जा रहा है और साथ ही साथ डॉक्टर से भी वो तुरंत परामर्श लेते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर इन्हें इस तरह की कोई दिक्कत है तो यहाँ पर किस तरह से उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, ये साफ इन तस्वीरों से भी नजर आ रहा है। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी रा वरिष्ठ नेता मारे हस्तक्षेप रहे बावजूद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री रबीच चाल रियो शीत युद्ध थम्बारो नाम नी ले रियो है। सचिन पायलट मुख्यमंत्री रे खिलाफ मोर्चो खोल रखा है और वे लगातार सरकार री नाकामा ने उजागर कर रिया है। लाडला दिना पायलट पत्रकार वार्ता माए कयाहा का वसुंधरा राजे शासनकाल माए हुआ भ्रष्टाचार रा मामला री मांग ने लेर व मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा है पर वाकानी सु कोई कार्यवाही नहीं करेगी। इन मामला ने लेर लाडला दिना दिल्ली माए कांग्रेस रा वरिष्ठ नेता समझाइश करी ही इन रे बावजूद हाल ही माए सचिन पायलट टोंक माए भ्रष्टाचार रे खिलाफ फिर आवाज बुलंद करवारो ऐलान करया। कोई हवाई बातें नहीं और ये ऐसी बातें नहीं है जिससे कोई कह सकता कि गलत बात है, क्योंकि मैंने कहा ना कांग्रेस पार्टी हमेशा करप्शन के खिलाफ रही, कांग्रेस पार्टी हमेशा नौजवानों के पक्ष में रही, तो उनको न्याय दिलाना और भाजपा सरकार में जो करप्शन हुआ उस पर जांच बैठाना मैं समझता हूँ ये अति अनिवार्य है, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। विश्व साइकिल दिवस रे मौके बीकानेर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर साइकिल धावका ने करीब 100 किलोमीटर साइकिल रैली निकाल युवाओं ने मतदाता सूची में आपरो नाम जुड़ावा रो संदेश दियो। बीकानेर रा महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय रे सामे सुया मैराथन रैली रवाना हुई। लगभग 70 साइकिल धावक इन रैली में हिस्सो लेना जिला परिषद रे मुख्य निर्वाचन अधिकारी नित्या के हरी झंडी दिखा रैली ने रवाना करया। हर साल आज ही दिन 3 जून ने दुनिया भर में विश्व साइकिल दिवस मनायो जावे है। इनरो उद्देश्य साइकिल रा महत्व ने समझता हुआ स्वास्थ्य और पर्यावरण ने होबा वाला फायदा ने लेर जागरूक करनो है। संयुक्त राष्ट्र महासभा न्यूयॉर्क में जागरूकता फैलावा खातर 2018 में विश्व साइकिल दिवस मनावारी शुरुआत करी है। विश्व साइकिल दिवस माथे झुंझुनू में चिकित्सा विभाग कानीसु चिकित्सक और आमजन साइकिल रैली काढ़ स्वास्थ्य खातर जागरूक करवारो संदेश दिया। दिवसीय कार्यक्रम है उसमें खास करके जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कार्सिनोमा, कैंसर, सीओपीडी, जो अस्थमा एक्सीडेंट्स, इस तरह के जो हमारे जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज बढ़ रही हैं और उनकी मोर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी जो सोसाइटी में बढ़ रही है उसके ऊपर हेल्थ के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए आज माननीय जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में और उनके नेतृत्व में साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है। आज
आज विश्व साइकिल दिवस पर साइकिल रैली का आयोजन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया गया है, जिसमें साइकिल रैली का शहीद स्मारक से स्टार्ट की गई है। इसमें माननीय जिला कलेक्टर जी ने हरी झंडी दिखाकर इस रैली को रवाना किया है। मेनली इस रैली का उद्देश्य यही है कि हम शारीरिक निष्क्रियता को खत्म करें और लोगों में फिटनेस का मैसेज दे सके, ताकि भारत फिट तभी हमारा पूरा जो हमारी शारीरिक निष्क्रियता को खत्म करेंगे तभी हमारा देश फिट हो पाएगा। जो आज ये साइकिल रैली निकाली जा रही है, जन जागरूकता जो NCD की कार्यक्रम है, जो अपने कैंसर है, डायबिटीज है और हाइपरटेंशन है, इनके प्रति जन जागरूकता संदेश देने के लिए और 30 वर्ष से ऊपर जो व्यक्ति है उनको स्वस्थ रहने के लिए जो फिट फॉर हेल्थ की जो ये जन जागरूकता रैली अपने यहाँ से निकल के गांधी चौक तक जाएगी, गांधी चौक से वापस अपने यहीं आएगी। जागरूक साइकिल रैली निकाली, वो विश्व साइकिल दिवस के उपलक्ष्य में अपने स्वास्थ्य विभाग झुंझुनू की तरफ से आज एक साइकिल रैली का आयोजन अभी किया जा रहा है और रैली यहाँ से रवाना की जा रही है। इसका रैली का मेन उद्देश्य ये है कि लोगों को, आमजन को साइकिल के लिए वापस अवेयर करना, क्योंकि साइकिल एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली और शारीरिक और मानसिक रूप से व्यक्ति को फिट रखती है, तो ये सबसे बेहतर एक ट्रांसपोर्टेशन का साधन है, साथ ही एक फिटनेस का भी अच्छा माध्यम है। वन विभाग कालसू 5 जून तई होबा वाली वन्य जीव गणना ने रद्द कर दियो है। प्रधान मुख्य वन संरक्षण इन बाबत बताया कि वाटर हॉल पद्धति सु होबा वाली इन गणना में वन्य जीवा नु आकलन करियो जावे है, पर लाडला दिना सु लगातार बारिश होबा रे कारण जंगल में ही वन जीवा ने पीबा खातर पानी और शिकार मिल जावे है। इन कारण वह वाटर होल माथे नहीं आ रिया है। इनने देखता थका वन्य जीव गणना ने रद्द करवारो फैसलो करियो गयो है। प्रदेश में कल अधिकांश जिला में तेज थूपरी, जबकि बारा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ में बारिश रे साथ ओला गिरा। मौसम विभाग रे मुजब आज एक बार फेरू प्रदेश में तेज आंधी और बारिश री गतिविधियां में बढ़ोतरी हो बारी संभावना है। जून रा पहला सप्ताह में पश्चिमी विक्षोभ रे कारण आंधी और बारिश रो दौर जारी रेवेलो। प्रदेश री घणघरी ठोरा में तापमान सामान्य सु 2-3 डिग्री कम रेबारी संभावना है। 7 जून ताई प्रदेश में मेघ गर्जन रे साथ कुछ एक ठोरा माथे तेज हवा और बारिश हो सके है। इन दौरान प्रदेश में सामान्य सु 32 बारिश होबारा आसार है। वटे ही 9 सु 15 जून रे दौरान आंधी और बारिश री गतिविधियां में कमी हो सके है। और खबरा में खास और मोटी खबर एक बार फेरु, ओडिशा रा बालासोर में रेल दुर्घटना में 261 लोगों की मौत, 932 लोग घायल। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत केंद्रीय मंत्री रेल दुर्घटना माथे जताया दुख। राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ओडिशा रा बालासोर में हुई रेल दुर्घटना माथे जताया शोक। घायला रे जल्दी स्वास्थ्य लाभ खातर करी कामना। ओडिशा रा बालासोर में हुई रेल दुर्घटना माथे उपनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया और भाजपा प्रवक्ता रामलाल शर्मा जताया दुख। हादसा ने बताया दुखद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जून ने अमेरिका दौरा माथे, अमेरिकी संसद री संयुक्त बैठक ने करेला संबोधित, यात्रा ने बताया सम्मान री बात। और प्रदेश में 7 जून तक मेघ गर्जन रे साथ कुछ एक जगह माथे तेज हवावां और बारिश री संभावना। 9 सु 15 जून रे दौरान आंधी और बारिश री गतिविधियां में हो सके है कमी।